हेलो गाइस, मैं बिग बॉस 16 से जुड़ी हुई लेटेस्ट खबर लेकर आपके सामने पेश हुई हूँ। बिग बॉस में दिखाया जा रहा है कि जब शिव ठाकरे को पावर मिलती है कि वो प्रियंका और अर्चना में से किसी एक को नॉमिनेट कर सकता है और एक को सेव कर सकता है, तो वो प्रियंका के साथ बहुत ही प्यार और बहुत ही रोमांटिक और जैसे कि किसी को छेड़ना हो ऐसे बात करता है और बहुत ही बढ़िया तरीके से बात करता है और प्रियंका भी उनको इम्प्रेस करने की पूरी कोशिश करती है। और इसी के चलते हुए जब शिव ठाकरे को जो मौका मिलता है कि वो किसको किल करेगा, तो वो कहता है कि मैं अर्चना को करूंगा क्योंकि प्रियंका के साथ मुझे बहुत बढ़िया बॉन्डिंग लगती है और कहीं ना कहीं प्रियंका मुझे काफ़ी मुद्दों पर सही भी लगती है, लेकिन जो अर्चना है वो हर वक्त लड़ती रहती है और मुझे लगता है कि इस गोली से उसको कहीं ना कहीं समझ आएगा और वो आगे जाकर अच्छी गेम खेलेगी। जिसे देखकर जो प्रियंका वो खुश हो जाती है कि जो शिव ठाकरे है उनको उन्होंने नॉमिनेशन से बचा लिया और वो भागकर शिव ठाकरे को हक कर देती है, जिसे देखकर शिव ठाकरे तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा स्माइलिंग करने लग जाते हैं। और उसी के बाद जो साजिद खान एंड निम्रत है वो शिव से गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि वो बाहर सोच रहे होते हैं कि कभी भी शिव ठाकरे प्रियंका को नहीं बचाएगा, वो प्रियंका को नॉमिनेट ही करेगा। लेकिन जब शिव ठाकरे बाहर आते हैं तो वो अपना गुस्सा निकालते हैं कि तूने प्रियंका को क्यों बचाया। तभी शिव ठाकरे कहता है कि मैं यहाँ पर फेयर खेल रहा हूँ, मुझे सच में प्रियंका की गेम, प्रियंका की जो बातें वो अच्छी लगी तो मैंने कह दिया, तो मुझे मैंने सिर्फ फेयर गेम खेली है। तो आपको क्या लगता है कि जो प्रियंका और शिव में अब बॉन्डिंग देखने को मिल रही है क्या वो आगे जाके एक दोस्ती बन सकती है या नहीं? तो प्लीज़ आप अपनी राय हमसे शेयर जरूर कीजिए और उनसे जुड़ी हर अपडेट के लिए अगर चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी कर दीजिए। धन्यवाद।